आइडिया वीडियो कक्षा 1 से 3 के बच्चों की माताओं के लिए। नमस्ते, आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की पेपर फोल्डिंग की वर्कशीट तथा स्वास्थ्यवर्धक आहार कैसा होना चाहिए, इस वीडियो पर आपके अनुभव ज़रूर बताएं। अब साथ लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो खींचते हैं। तब तक यह वीडियो पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है करके देखते हैं। सभी माताएं गोले में बैठें। एक कटोरी में थोड़े चावल, चना दाल और मसूर दाल इकट्ठा करें। प्रत्येक माता को एक एक मुट्ठी यह मिश्रण दें। अब प्रत्येक माता को चावल, मसूर दाल और चना दाल को अलग अलग करना है और ज़मीन पर चौक से हार का चित्र बनाना है और उस पर चावल और दालें रखकर हार सजाना है। यह गतिविधि सभी माताएं करें। तब तक हम यह वीडियो यहां पॉज करते हैं। आशा है यह गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। माइक्रोग्रीन क्या होते हैं, वह हमारे खाने में क्यों जरूरी हैं तथा हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइक्रोग्रीन क्या होते हैं और हमारे खाने में क्यों जरूरी है तथा हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है ये जानेंगे। COVID-19 के कारण आज हर घर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे खाने में और कौन कौन सी चीजों से काफी मात्रा में पोषक तत्व मिल सकते हैं वो सोचना होगा। इसका एक जवाब माइक्रोग्रीन भी है। माइक्रोग्रीन किसी अनाज, सब्जी के बीज लगाने के कुछ दिन बाद निकलने वाले मुलायम टहनी और पत्तियां हैं, जिन्हें पकाकर या बिना पकाए खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोषण के लिए आमतौर पर लोग अंकुरित अनाज खाते हैं। माइक्रोग्रीन्स में काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। माइक्रोग्रीन्स को अंकुरित अनाज की तुलना में पचाना काफी आसान होता है, क्योंकि ये हरी पत्तियां होती हैं। हम घर पर मेथी, सरसों, धनिया, मूंग, चने आदि के माइक्रोग्रीन्स तैयार कर सकते हैं। किसी भी पॉट या ट्रे में लगा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए मिट्टी या नारियल के बुरादे पर कोई भी बीज डालकर छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं। इन्हें बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है। ये 1 सप्ताह में ही तैयार हो जाते हैं। इन पौधों को 2 से 4 इंच के हो जाने पर खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोग्रीन्स को चाट, चीला, सब्जी, पराठा, सैंडविच किसी में भी उपयोग किया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो का फायदा आपको जरूर होगा। चलिए अब आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से कराएं। चित्र में दिखाए अनुसार एक कागज पर चित्र बना लें। बच्चों को वस्तु का नाम लेकर क्या वह वस्तु टेबल के ऊपर रखी है या नीचे रखी है यह पूछें।
टेबल के ऊपर रखी वस्तुओं में पीला रंग और नीचे रखी वस्तुओं में नीला रंग भरने के लिए कहें। क्या बच्चे ने यह वर्कशीट करने में आनंद लिया? यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।